बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं तोरण पट्टी बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर बनाएँ। बहुत ही आसान है, देखने में बहुत प्यारा है। तो किस तरह से ये बना है, इसी तरह से बनेगा ये, आप लोग ज़रूर बनाएं। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से गांठ लगाएंगे। अब यहाँ हम चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 चैन लेकर अब हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 3 चैन छोड़ के चौथे चैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर दूसरे वाले चैन में, तो हर चैन में हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनेगा ये। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने बना लिया है। अब हम यहाँ 3 चैन लेंगे, 1 2 3 3 चैन लेकर घुमाएंगे। अब हम यहाँ दूसरा राउंड बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये चैन मिला के 4 डबल क्रोशिया हो गया है। 1 2 3 3 चैन लेंगे इधर से, 1 2 3 4 4 से इधर छोड़ेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 तो 1 2 3 ये चौथे वाले में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। दो तीन चार, 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर 1 2 3 ये चौथे वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तो ये दूसरा लाइन कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब हम आगे बनाएंगे फिर से 3 चैन लेकर, 1 2 3 3 चैन लेकर घुमाकर फिर हम उसी तरह से किनारे पर हम किनारी बनाएंगे। इस तरह से ये हो गया है। फिर यहाँ हम 3 चैन लेंगे, और ये जो है डबल क्रोशिया, इसके बीच में हम यहाँ पर भी हम बना सकते हैं यहाँ चैन वाला जो है, तो यही चैन में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया हो गया, और ये इसमें बनाएंगे 3, फिर तो नीचे वाला जो चैन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, जिस तरह से यहाँ बना है। या इसमें भी बीच में भी बना सकते हैं, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसमें से इस तरह।
तो यहाँ हम नीचे चार और ऊपर छः डबल क्रोशिया, फिर तीन चैन, इस तरह से फिर तीन चैन और पट्टी की किनारी डबल क्रोशिया से बनाएंगे इस तरह। अब यहाँ हम दो चैन लेंगे, एक और दो। इस बार हम बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक फिर एक चैन लेंगे, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया और एक चैन, इस तरह से यहाँ पांच डबल क्रोशिया बना है। फिर दो चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ किनारे पर बनाएंगे, फिर तीन चैन लेंगे ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है, आप लोग जरूर बनाएं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बनने के बाद ये दो तीन चैन लेंगे यहाँ, दो चैन लेंगे और उसके बाद में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो। देखिए एक ही इसमें ये जो गैप है इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चार पाँच। अब ये जो पहला वाला है डबल क्रोशिया का, इसी में हम इस तरह से क्रोशिया डाल के फंदा लेकर हम ये फंदा इसी में से निकालेंगे, देखिए इस तरह से, फिर इसको लॉक कर देंगे। इसके बाद में फिर हम यहाँ फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे, पांच डबल क्रोशिया बनाकर फिर ये जो पहला वाला है डबल क्रोशिया का चैन है इसी में से हम फंदा यहाँ इधर से इस तरह से निकालेंगे, फिर इसको भी लॉक कर देंगे। इसी तरह से हम ये दो और बना लेंगे, तीन चार पाँच, उसी तरह से जिस तरह से पहले बना उसी तरह से हम बना लेंगे, एक लॉक करके फिर एक डबल क्रोशिया, तीन चार पाँच, इस तरह से फिर एक दो दो चैन लेकर फिर से यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बना है, तो इसी तरह से आगे भी बना लेते हैं। एक दो तीन चैन लेंगे, अब हम नीचे जिस तरह से यहाँ बनाए हैं इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे।
तीन चैन लेकर ये जो है एक दो तीन, ये तीसरे वाले में हम फिर से चार चैन चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर तीन चैन देखिए इस तरह से ये बना है, जिस तरह से हम नीचे बनाए थे उसी तरह से ये भी बना है और आगे भी इसी तरह से बनेगा। जिस तरह से ये है फिर ये इसी तरह से आगे भी बना लेंगे। तो हमने इतना बड़ा बना लिया है, देखिए ये डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये ज़रूर बनाएं ये डिज़ाइन।